हाय स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर ग्राफिक्स का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। स्टूडेंट, हम लोगों ने सीजी को काफी अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले अपना यूनिट नंबर 7 जो कि है एनिमेशन, और ये जस्ट 10 से 15 मिनट का काम है, क्योंकि आपको सिर्फ एनिमेशन के थ्योरी पढ़ने हैं। हमें कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करना है, जस्ट हमें जानना है कि आखिर एनिमेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता क्या है। और एनिमेशन के बारे में आजकल हम लोग जितना मैं बताऊंगा उससे ज्यादा आप जानते हैं। आप लोग आजकल एनिमेटेड मूवीज देखते हैं, कार्टून्स एनिमेटेड आते हैं, गेम्स आते हैं, तो एनिमेशन आपसे छुपा हुआ चीज नहीं है। तो आइए, चूंकि हम लोग को डेफिनेशन लिखना है एग्जाम में जाके, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एनिमेशन इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग अलाइव। यानी एनिमेशन क्या है? एनिमेशन एक्ट है ऑफ मेकिंग समथिंग अलाइव, किसी को एक तरह से अलाइव करना। यानी कि कोई थ्री डायमेंशनल मान लिया जाए ऑब्जेक्ट है, और उसे हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे एक तरह से अलाइव कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट एनिमेशन। ओके, सो एनिमेशन इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेजेज वाया द यूज ऑफ कंप्यूटर। यानी कि इमेज को मूव करवाना, मूविंग इमेजेज को क्रिएट करना वाया द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का यूज करके, इसे ही क्या बोला जाता है, एनिमेशन बोला जाता है ना। जैसा कि आजकल आप लोग देखते हैं कार्टून्स आते हैं, तो जो कार्टून्स होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, वो एनिमेट किया जाता है ना। कार्टून्स एक बार एनिमेट कर दिया गया उसके शेप एंड साइज को, और उसे क्या किया जाता है, उसे उसके बाद मूविंग पिक्चर्स में, यानी डिफरेंट पिक्चर्स बनाए जाते हैं, और उसे एक वे में जब प्रोसेस किया जाता है एक फ्रिक्वेंट स्पीड में, तो आपको लगता है कि चीजें मूव कर रही है, वो हिलजुल रहा है। ठीक है, सो इन एनिमेशन अ सीरीज ऑफ इमेजेज rapidly changed to create an illusion of movement. यानी कि एनिमेशन में क्या होता है स्टूडेंट, ए सीरीज ऑफ इमेजेज रैपिडली चेंज, यानी सीरीज ऑफ इमेजेज रैपिडली चेंज होता है टू क्रिएट एन इल्यूजन, एक इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए ऑफ मूवमेंट, की मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कोई इमेज है किसी का, जैसे अभी वो क्या है, कुछ इस प्रकार से है, देन एक दूसरा इमेज है इसी का जिसमें ये ऐसे हो गया, फिर तीसरा इमेज है जिसमें वो क्या हुआ, ऐसे ऐसे हो गया। तो अगर इन तीनों को हम एकदम फास्टली मूव करें तो आपको क्या लगेगा, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी आपको वो एक एनिमेशन हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा एनिमेशन होगा लेकिन वो क्या होगा, एक एनिमेशन हो जाएगा। सो अ पर्सन हु क्रिएट्स एनिमेशन इज कॉल्ड एनिमेटर। जो पर्सन एनिमेशन को क्रिएट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट, उसे बोलते हैं हम लोग एनिमेटर। ओके, ही यूज वेरियस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज टू कैप्चर द पिक्चर्स एंड देन टू एनिमेट दीज इन द डिजायर्ड सीक्वेंस। वो क्या करता है स्टूडेंट, डिफरेंट कंप्यूटर के टेक्नोलॉजीज का यूज करता है पिक्चर को कैप्चर करने के लिए, और उसके बाद उसे डिजायर्ड सीक्वेंस में एनिमेट करने के लिए। डिजायर्ड सीक्वेंस कहने का तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि आपने पहले किसी और इमेज देन किसी और इमेज को करवा दिया तो वो तो एनिमेशन बनेगा ही नहीं, वो तो पता चल जाएगा कि अच्छा इमेजेज चेंज हो रहा है ना, जैसे इमेजेज का स्लाइड शो होता है, वैसा आपको नहीं करना है, आपको डिजायर्ड सीक्वेंस में करना है ना, तब वो क्या होगा। जैसे हम लोग वीडियो की बात करते हैं स्टूडेंट, वीडियो हम लोग जानते हैं वीडियो क्या होता है, वीडियो होता है सेट ऑफ मूविंग पिक्चर्स। ओके, वीडियो क्या होता है आपका, सेट ऑफ मूविंग पिक्चर्स है ना, सेट ऑफ मूविंग पिक्चर्स इन अ सीक्वेंस, इन अ ऑर्डर्ड सीक्वेंस आप लोग बोल सकते हैं, इन अ ऑर्डर्ड सीक्वेंस, ये होता है आपका क्या, वीडियो होता है। सो ये कुछ एनिमेशन के डिफिनेशन हो गए स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इतना लिख दे तो वो इनफ है। नाउ हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर एनिमेशन क्या होता है। ठीक है, अगर आप इसे कंसिडर करें स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इमेजेज है अलग अलग, ये आपका एक इमेज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये इमेजेज एनिमेट किया गया, किसके द्वारा एनिमेट किया गया, तो एनिमेटर के द्वारा। नाउ इन पांचों इमेजेज को, और ऐसे ऐसे मिलियन इमेजेज होते हैं, ठीक है, एक दो नहीं होते हैं, इन इमेजेज को क्या किया जाता है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो ये क्या लगता है हमें कि ये जो पिक्चर है ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इस जगह से इस जगह पे वॉक कर रहा है ना, हमें लगेगा ठीक है ये हाथ ऐसे था फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। और इसे अगर हम एकदम सीक्वेंस में करते, मतलब कि फास्टली अगर मैं इसे एक सेकेंड में मूव करवाऊं
तो ये ऐसे 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 आपको क्या लगेगा, ये क्या हुआ, मूव कर गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी देखिए कुछ ज्यादा फिगर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ इस प्रकार से, देन ये बैठा, अब उसके बाद जंप करने के लिए रेडी हो रहा है, देन जंप किया, देन जंप कर गया। तो अगर आप इसे एक सीक्वेंस में चला दे स्टूडेंट, तो आपको क्या एक वीडियो मिल जाएगा, आपको एक एनिमेशन मिल जाएगा जिसमें ये जो फिगर है ये आपको जंप करता हुआ नजर आएगा। तो कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट एनिमेशन को क्रिएट किया जाता है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे काफी सारे इमेजेज देखिए यूज किए गए हैं, सेट ऑफ इमेजेज, क्या है ये, एक बॉल ड्रॉप हो रहा है। तो जब आप इसे एक सीक्वेंस में, एक डिजायर्ड सीक्वेंस में प्रोसेस कीजिएगा, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो एक बॉल है ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से ड्रॉप हुआ, वापस से उठा, वापस से ड्रॉप हुआ, फिर उठा, फिर ड्रॉप हुआ, फिर उठा, फिर ड्रॉप हुआ, इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये हुआ स्टूडेंट एनिमेशन के कुछ टाइप्स, और आई होप आप लोग एनिमेशन को समझ गए होंगे। नाउ एनिमेशन के एक दो टाइप्स हम लोग और देखते हैं, ये टाइप्स नहीं है बेसिकली, ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सो एनिमेशन क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, एनिमेशन इंक्लूड्स ऑल द विजुअल चेंजेज ऑन द स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। एनिमेशन वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग एनिमेशन में इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे चेंज होते हुए दिखते हैं। यानी अभी ये जो आपको ये जो आपको कुछ लिखता हुआ दिख रहा है ये भी एक एनिमेशन का ही पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं हमारे फोन पे वो भी क्या है, एक एनिमेशन है। लेकिन आज चीजें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि आपको ये पता नहीं चलता है। ठीक है, तो दीज आर एनिमेशन क्या क्या हो सकता है, चेंज ऑफ शेप, किसी के शेप में चेंज हो सकता है, जैसे यहां पे देखिए क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। चेंज इन साइज एज सोन इन फिगर, यानी क्या हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, और क्या हो सकता है, चेंज इन कलर एज सोन इन फिगर, यानी कलर में चेंज हो सकता है। कैसा, यानी कि कभी ऐसा हो फिर धीरे 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 कलर डार्क हो जाए तो आपको क्या लगेगा, वो चीजें एनिमेट हो रहा है। चेंज इन स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी पहले ये ऐसे था फिर ऐसे हो गया, फिर ये नीचे चला गया, फिर कुछ इस साइड, फिर कुछ इस साइड। अगर हम इसे एक डिजायर्ड सीक्वेंस में इसे प्रोसेस करवा दे तो हमें लगेगा कि ये चीजें इस प्रकार से मूव कर रही है। ठीक है, चेंज इन एंगल हो सकता है, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया, यानी अभी कुछ ऐसा एंगल है फिर एंगल चेंज हो गया, देन दूसरा एंगल, देन ये, तो हमें क्या लगेगा, अगर कुछ इस प्रकार से हम इसे प्रोसेस कर दे तो हमें लगेगा कि ये चीजें ऐसे मूव कर रही है ना। तो ये क्या हो गया, एक एनिमेट हो गया, एनिमेशन हो गया। तो इससे ज्यादा आपको एनिमेशन में नहीं जानना है स्टूडेंट, इतना इनफ है अगर आपसे एनिमेशन पूछा जाता है। नाउ आपको पढ़ना है एनिमेशन में टाइप्स ऑफ एनिमेशन क्या होता है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन को। सो टाइप्स ऑफ एनिमेशन में फर्स्ट है आपका सेल एनिमेशन। सेल एनिमेशन क्या होता है, दिस इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनिमेशन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्टून्स ऑफ एनिमेटेड मूवीज वेयर ईच फ्रेम ऑफ द सीन इज ड्रॉन बाय हैंड। ये क्या है स्टूडेंट, ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनिमेशन, यानी कि जैसे पुराने समय में एनिमेशन को बनाया जाता था, कैसे, जो सीन होता था यानी हर एक फ्रेम को हैंड से बनाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको एक वीडियो बनाना हो, एक फिल्म बनाना हो एनिमेशन का, तो आपको मिलियन टू 10 मिलियन, आपको यानी मिलियन और उससे भी ज्यादा आपको जो है क्या करना पड़ेगा, हैंड से। अब हैंड से करने का मतलब पेपर पे नहीं, हैंड से जो होगा इस पे सिस्टम पे ड्रॉ किया जाता था इमेजेज को, एंड देन उसे क्या किया जाता था, प्रोसेसिंग किया जाता था। आज वैसा नहीं किया जाता, आज जो कार्टून्स भी बनाया जाता है ऐसा नहीं है कि हैंड से बैठ के बना रहे, ऐसा नहीं होता है, आजकल चीजें एडवांस हो चुकी है। ठीक है, सो अ फुल फीचर फिल्म प्रोड्यूस्ड यूजिंग सेल एनिमेशन वुड ऑफन रिक्वायर अ मिलियन और मोर ड्राइंग्स टू कंप्लीट। यानी कि अगर आप सेल एनिमेशन का यूज करके एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाना चाहे तो आपको क्या होगा, मिलियन और उससे भी ज्यादा आपको क्या करना होगा, आपको ड्रॉइंग्स बनाना होगा, आपको इमेजेज बनानी होगी, एंड देन आप उसे प्रोसेसिंग करेंगे तो आपके पास एनिमेशन क्रिएट होगा। तो ये काफी चीजें एक तरह से बोल सकते हैं कम्प्लेक्स थी, और कम्प्लेक्स नहीं थी तो इसमें टाइम एक फैक्टर था जो कि बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा लगता था टाइम, तो ये अब डिप्लीकेटेड हो चुका है, अब यूज इसका नहीं होता है। अभी के जमाने में जो यूज होता है स्टूडेंट वो है आपका कंप्यूटर एनिमेशन। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर एनिमेशन,
इट इज सबसेट ऑफ बोथ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये कंप्यूटर ग्राफिक्स और जो एनिमेशन टेक्नोलॉजी है इनका बोथ का क्या है स्टूडेंट, सबसेट है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट। हाँ चलिए, नाउ इट इज द क्रिएशन ऑफ मूविंग इमेजेज, ये क्या है स्टूडेंट, क्रिएशन ऑफ मूविंग इमेजेज है, एनिमेशन है यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं इमेजेज को क्रिएट करते हैं एंड देन उस इमेजेज को हम लोग मूव करवाते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका टाइप्स ऑफ एनिमेशन में काइनेमैटिक्स। नाउ काइनेमैटिक्स क्या है, सो इट इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड मोशन ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट हैव जॉइंट्स, यानी कि ये उन स्ट्रक्चर्स को दर्शाता है जिनमें जॉइंट्स होते हैं, सच एज वॉकिंग मैन। अगर आप वॉकिंग मैन की बात करें, ये कोई वॉकिंग मैन है अगर, तो यहां पे जो इसका इस तरह से होगा ये क्या होगा ज्वाइंट होगा, यानी ये इसका सेम रहेगा लेकिन ये कभी ऐसे होगा ऐसे, फिर ये क्या होगा ये इसका सेम रहेगा, ये कभी ऐसे होगा कभी ऐसे, यानी जो भी हो एक जगह ये क्या है ज्वाइंट, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए काइनेमैटिक्स का यूज होता है। डिफरेंट चीजें हो सकती है, इसका मैकेनिकल ड्रॉइंग में यूज हो सकता है। ठीक है, सो सॉरी, such type of animation are usually used in the areas like mechanics etc, है ना, machine drawing etc में इसका यूज किया जाता है। तो अगर टाइप्स आपसे पूछा जाए स्टूडेंट, तो आप इन तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन कर दे एनिमेशन में। ठीक है, नाउ हम लोग जान लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन का कहां कहां यूज होता है। सो फर्स्ट है आपका यहां पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आपका एनिमेशन का एप्लीकेशन है। एनिमेशन इज यूज्ड इन स्कूल कॉलेजेज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन पर्पस के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है एनिमेशन का। फ्लाइट सिमुलेटर्स हमने पढ़ा था, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक एप्लीकेशन था है ना, फॉर एयरक्राफ्ट आर ऑल्सो एनिमेशन बेस्ड, बिल्कुल, और ये एनिमेशन का भी एक एप्लीकेशन हो गया है ना। और जो साइमुलेटर्स है स्टूडेंट, ये जो है एकदम लाइफ चेंजिंग हुआ है, जो ट्रेनिंग के मामले में दिया जाता था, जो एयरक्राफ्ट सीखते थे उनको जब ट्रेनिंग दिया जाता था तो कभी कभी क्या होता था, मान लिया जाए गलती से कोई बटन दब गया या कुछ ऐसा हो गया क्रैश हो गया, तो मतलब वो तो गया ही, साथ में प्लेन भी गया, जो दूसरा एक्सपीरियंस बनता था वो भी गया, तो जान माल तो गया ही, साथ में क्या हुआ कि जो प्लेन होता था, ऐसा तो नहीं है कि प्लेन काफी सस्ता होता है, प्लेन भी साथ में जाता था, लेकिन जब से साइमुलेटर्स आया उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई। हमने साइमुलेटर्स को डिटेल में डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट में, जब हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में, उसमें हमने बताया था कि साइमुलेटर से और क्या क्या हो सकता है, फ्लाइट साइमुलेटर्स के विश्व के जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं आप बैठे बैठे वहां पे क्या करवा सकते हैं, लैंड करवा सकते हैं, सीख सकते हैं चीजों को, अगर कुछ गलती भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो जमीन पे ही बैठे हुए, कुछ होगा नहीं, सिस्टम बंद हो जाएगा और क्या होगा इससे ज्यादा। ठीक है, तो एनिमेशन का स्टूडेंट बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, हर जगह एनिमेशन का यूज है। एंटरटेनमेंट, बिल्कुल ये तो सबसे ज्यादा एनिमेशन में यूज होता है एंटरटेनमेंट, आजकल सारी जो कार्टून्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा एनिमेटेड मूवीज आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, सो एनिमेशन मेथड्स आर नाउ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग मोशन पिक्चर्स म्यूजिक वीडियोज एंड टेलीविजन शोज एक्सेट्रा, इन सारे में एनिमेशन का यूज किया जाता है। थर्ड है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड में स्टूडेंट मशीन ड्राइंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो मशीनरी होती है उनके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको जब ड्रॉ हम लोग करते हैं तो वहां पे कंप्यूटर एडेड डिजाइन का यूज होता है, जो कि एनिमेशन के एप्लीकेशन का यूज करती है। सो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और अगर आपसे एप्लीकेशन पूछा जाए ऑफ एनिमेशन तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपको जरूर लिखना है, और ये सीजी का भी एक एनिमेशन है, दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी एक एनिमेशन है, एंड इज जनरली रेफर्ड टू एज कैड, और इसे अब कैड बोला जाता है, बिल्कुल सीएडी कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो वन ऑफ द अर्लियर एप्लीकेशंस ऑफ कैड वाज ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग एक एप्लीकेशन है जो यूज होता है कैड में, बट नाउ ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग आर डन बाय यूजिंग कैड एप्लीकेशन, अब सारा जो डिजाइन होता है मशीनरी वो कैड एप्लीकेशन का यूज करके स्टूडेंट किया जाता है। आपको चीजें नहीं दिख पा रही है तो लीजिए, अब आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, एंड विदाउट एनिमेशन ऑल दीज वर्क कांट बी पॉसिबल, विदाउट एनिमेशन ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट एनिमेशन का काफी जगह यूज है, एडवर्टाइजिंग में एनिमेशन का बिल्कुल यूज किया जाता है, जितने भी आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं
टेलीविजन पे, इधर उधर फोन पे, वो सारे में एनिमेशन का यूज कहीं ना कहीं किया ही रहता है। आज के जमाने में एनिमेशन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन एनिमेटेड एडवर्टीजमेंट इज दैट इट टेक्स वेरी लेस स्पेस एंड कैप्चर पीपल अटेंशन। देखिए, जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है एनिमेशन का, वो क्या है कि ये काफी कम लेस स्पेस लेता है आपका मेमोरी में, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, छोटा मोटा नहीं है। लेस स्पेस लेना, स्पेस कम, स्पेस मैनेजमेंट को बढ़िया से करना, ये क्या है, एक काफी अच्छा एडवांटेज है। और ये पीपल का बिल्कुल अटेंशन भी कैप्चर करता है, जब भी एनिमेशन कुछ ऐसा आता है तो हम लोग देखते हैं अरे क्या आया है ना, इस प्रकार से। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का यूज किया जाता है। एनिमेटेड प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट एन आइडिया। हम लोग सेमिनार होता है कॉलेज में या कहीं भी होता है इंडस्ट्री वगैरह में, तो वहां पे एनिमेशन का यूज किया जाता है, जो भी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए, या भी जो चीजें हो रही हैं फिलहाल उन्हें दर्शाने के लिए। इट इज यूज टू डिस्क्राइब फिनेंशियल, स्टैटिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेटा वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। नाउ जो लास्ट में दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है स्टूडेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स में, वो है आपका मॉर्फिंग एंड देन उसके बाद है आपका ट्विनिंग। तो आइए इन दोनों को भी स्टूडेंट हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्फिंग क्या है? मॉर्फिंग इज एन एनिमेशन फंक्शन। मॉर्फिंग एक एनिमेशन का फंक्शन है, टाइप्स नहीं है, ध्यान देना है। मॉर्फिंग क्या है? एनिमेशन का एक फंक्शन है, विच इज यूज टू ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट शेप फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मॉर्फिंग को टाइप्स ऑफ एनिमेशन में लिख कर चले आते हैं, लेकिन आपको टाइप्स ऑफ एनिमेशन में नहीं लिखना है। मॉर्फिंग क्या है? फंक्शन ऑफ एनिमेशन है, ठीक है। सो ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक शेप से दूसरे शेप में, यानी किसी ऑब्जेक्ट के शेप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये काफी ज्यादा चीजें इसमें कॉम्प्लेक्स होती है। दिस फंक्शन इज कॉमनली यूज इन मूवीज, कार्टून, एडवर्टीजमेंट एंड कंप्यूटर गेम्स। इन सारी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। और आजकल काफी ज्यादा जो एप्स वगैरह आ गई है, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें या फेसबुक वगैरह में फीचर आ गया है कि आप फ्यूचर में कैसा दिखेंगे या पास्ट में कैसा दिखते थे, आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने फोटो पे उस इफेक्ट को लगाकर। तो वो जो आपके फोटो पे इफेक्ट डाल रहा है स्टूडेंट, वो और कुछ नहीं, वो मॉर्फिंग को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, आपके शेप को कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल, तो ह्यूमन फेस इज कन्वर्टेड इंटू एनिमल फेस। ह्यूमन के फेस को आजकल आप देखते हैं कि किसी एक के फेस को दूसरे के साथ मर्ज कर देता है। मीम्स वगैरह आजकल आप लोग देखते होंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक के फेस को दूसरे के साथ मर्ज कर दिया जाता है, देखने में लगता है कुछ उसी प्रकार का है। जैसे मैंने एक मीम्स देखा था, ये जेठालाल का जो फोटो था उसे हर्षद मेहता के साथ एकदम ऐसे पूरा मैच करवा दिया था। तो ऐसा काफी चीजें होती है, ठीक है। तो वो जो है स्टूडेंट इस प्रकार से हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ह्यूमन का जो फेस है उसे एनिमल फेस में कुछ इस प्रकार से मॉर्फिंग करके कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा जो अभी सबसे ज्यादा एग्जाम्पल चल रहा है क्या, कि फेस ऑफ यंग पर्सन इज कन्वर्टेड इनटू एज्ड पर्सन। और काफी ज्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं कि हम कैसा दिखेंगे फ्यूचर में, वो देखना चाह रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो काफी ज्यादा इसका एप्लीकेशन भी है। सो अगर कोई ऐसा है तो मॉर्फिंग करके हम क्या कर सकते हैं, उसे एज्ड पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है स्टूडेंट आपका ट्विनिंग। और ट्विनिंग क्या होता है, कुछ नहीं, ये जो इंटर बिटवीन फ्रेम्स होते हैं उन्हें जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो ट्विनिंग का मतलब ये है कि इन बिटवीन, ठीक है। ट्विनिंग इन द शॉर्ट फॉर्म इन बिटवीन, ठीक है, इसका मतलब ही होता है। तो ये है क्या, ये एक प्रोसेस है ऑफ जेनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम्स। ये इंटरमीडिएट फ्रेम्स को जेनरेट करने का एक प्रोसेस है बिटवीन द इनिशियल एंड लास्ट फाइनल इमेजेस। यानी कि जो आपके पास इनिशियल इमेजेस थी, आपने उस पर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म किया, जो आपके पास फाइनल इमेजेस आई, उनके बीच के अगर आपको फ्रेम्स को जेनरेट करना हो तो आप क्या करेंगे, ट्विनिंग के कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट यूज करेंगे। दिस फंक्शन इज पॉप्युलर इन द फिल्म इंडस्ट्री, और फिल्म इंडस्ट्री में ये काफी ज्यादा पॉप्युलर भी है, ठीक है। जैसे ये आपका इनिशियल इमेजेज है और ये फाइनल इमेजेज है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से ट्रांसलेट होकर कहां चला गया, यहां
हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है, ये ट्रांसलेशन परफॉर्म हुआ है। तो ट्विनिंग के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट फ्रेम, तो और यहाँ पे सिर्फ एक दर्शाया गया, इस प्रकार से काफी इंटरमीडिएट फ्रेम्स को जनरेट कर सकते हैं, जिस प्रकार से ये चीजें कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और जब आप इसको प्रोसेसिंग कीजिएगा तो ये क्या होगा स्टूडेंट, एक आपका एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग चीजों को समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो ये था आपका स्टूडेंट एनिमेशन, यूनिट नंबर 7 आपका फिनिश हो गया। और इसके साथ स्टूडेंट आपका जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो आपका 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका सिलेबस क्या हुआ स्टूडेंट, 100% कंप्लीट हो गया। सिलेबस में आपका कोई भी चीज बाकी नहीं रह गया है, हमने सारे चीजों को डिटेल में डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, हमने एग्जांपल दिया, काफी अच्छे से आपको समझाया। तो आई होप आप इस कंप्यूटर ग्राफिक्स के कोर्स को स्टूडेंट एंजॉय किए होंगे, सारी चीजों का आप नोट्स बनाए होंगे स्टूडेंट, नोट्स मैटर करता है एग्जाम टाइम पे। और अभी एग्जाम में काफी समय बचा हुआ है, लगभग 2 महीना, 1 जून से आपका एग्जाम है, तो अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून 3 महीने हैं आपके पास, आराम से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आराम से कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप एग्जाम के एक रात पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, जो भी वीडियोज देखें एग्जाम के पहले वीडियोज देखना है, दोगुना स्पीड पे देखना है। ठीक है, और आप दोगुना स्पीड पे देखिएगा, आपके पास नोट्स रहेगा तो इजिली आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका कोर्स खत्म हो गया। अब हम लोग अगर मिले नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज, PYQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, PYQs यानी क्या, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे आपके, मेरे पास एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2020 ऑड का, उसे मैं डिस्कस कर दूंगा इसके बाद। और जो आपके पास अगर क्वेश्चन होंगे तो आप सेंड कर दीजिएगा, मैं उसे भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।